जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। जो पहली बार देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिवार का हिस्सा बने। अपना टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और विभिन्न प्रकार की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। आपने थंबनेल में देखा और बिल्कुल मैं इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूं आप लोगों के समक्ष। जो सीआरपीएफ एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का अभी एग्जाम चल रहा है आप लोगों के लिए, और ये एग्जाम आपका 28 तारीख तक चलना है, और इसी के अंदर जो पेपर देकर आ रहे हैं उन भाई बहनों का, उन अभ्यर्थियों का क्या इसके अंदर फीडबैक है कि कितने उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, और कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, कितने नंबर वाले इसके अंदर सेफ हैं, कितने नंबर वालों को यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है क्या नहीं, इन तमाम सभी क्वेश्चनों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और हम शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए हमारी आज की इस क्लास को, जिसके अंदर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एससीएम के बारे में हम संपूर्ण यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले। दोस्तों, कितनी जाएगी कट ऑफ, पहला टैग ये है। सेकंड है, कितने नंबर वाले करें टाइपिंग की तैयारी। दोस्तों, दोनों ही चीज को मैं आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि जितने भी जो पेपर देकर आए उनसे मेरी बातचीत हुई है। जो आपका पेपर आ रहा है, पेपर मॉडरेट टू, मतलब नॉर्मल टू मॉडरेट है, यानी कि मॉडरेट लेवल का आपका पेपर है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि जितने भी जो क्वेश्चन देख करके आ रहे हैं, अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, पेपर देकर आ रहे हैं, कि पेपर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब जो डिस्क्रिप्शन है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो काफ़ी लंबी है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो जितने भी, अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है उसके लिए उतना ईजी होगा। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का पेपर है, अच्छा पेपर जा रहा है सभी का। लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन, अगर किसी ने प्रैक्टिस कम की है तो वो क्वेश्चन पूरा लेंथी होने के कारण से वो उसमें समझने में, क्वेश्चन को पढ़ने के अंदर थोड़ा सा टाइम है वो टेकन ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर रीजनिंग 25 नंबर की, मैथमेटिक्स 25 नंबर की, और उसके बाद में हिंदी इंग्लिश 25 नंबर की, और जीए आपका जनरल अवेयरनेस वो भी 25 नंबर की। तो जिससे भी मैंने बातचीत की, सभी का आइडिया मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक ओवरऑल सभी पूरे ऑल ओवर भारत, ऑल ओवर इंडिया के लिए, यहाँ की जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, 25 में से जितने भी मैंने भाई बहनों से बात की है, मैंने सभी ने लगभग यहाँ पर 18-19 क्वेश्चन है वो बताए, सभी ने कि 18-19 क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर इसके अंदर राइट होने के पूरे पूरे चांस है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 18 क्वेश्चन हम यहाँ पर अगर मान के चले, 18 भी अगर मान के चले तो भी काफ़ी ज़्यादा, और सभी ने इतना रिस्पॉन्स दिया कि रीजनिंग के अंदर हमारे 18 क्वेश्चन राइट हुए हैं। इसके बाद में मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम मान लो कि ज़्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, तो यहाँ पर अगर नॉर्मली हम 15 क्वेश्चन भी अगर माने तो भी हम देखेंगे लास्ट में हमारा कितना कट ऑफ है वो आइडिया होगा। इसके बाद में हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, और यहाँ पर लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी अगर हम मान के चले तो 15 क्वेश्चन के लगभग अगर हम यहाँ पर माने कि 15 क्वेश्चन तो आराम से सही हो सकता है जिसने भी तैयारी की है। बाकी जनरल अवेयरनेस जो मतलब काफ़ी विस्तृत है, इसके अंदर ऐसा होता है कभी कभी के पढ़े हुए चीज़ भी एग्जाम के अंदर नहीं आई या याद नहीं रही, क्योंकि इतना ज़्यादा जनरल अवेयरनेस है जी के जी एस है। तो उसके अंदर अगर हम माने, अगर तैयारी की हो, चाहे किसी ने अगर नहीं भी की हो, तो यहाँ पर अगर हम 12-13 क्वेश्चन भी अगर हम यहाँ पर मान के चले, अगर आप 12 क्वेश्चन मान लो चाहे 13 क्वेश्चन मान लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना क्वेश्चन यहाँ पर किसी ने अगर थोड़ा सा भी तैयारी किया है तो इतने क्वेश्चन उसने आराम से अटेम्प्ट किए होंगे। अब अगर हम इन टोटल को अगर देखें तो 15, 15, 30, 30 और 10, 40, 40, 48, 48, 58, 58 और 3 कितने हो गए 61। यानी कि अगर आप लोगों के जिस भी भाई बहन ने अगर 60 से अबाव, अगर जिसके भी नंबर है 60 से अबाव, अगर जिसके भी अगर यहाँ पर नंबर आ रहे हैं अगर उनका चेक करने के बाद में, तो वो यहाँ तक कि आपके फाइनल मेरिट तक भी वो सेफ है, यानी कि फाइनल मेरिट में भी उसके चांस है पूरे के पूरे यहाँ पर आने के। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा, यहाँ पर 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन 60 नंबर से जिसका भी ऊपर है वो सारे के सारे यहाँ पर सेफ है, फाइनल मेरिट तक वो जा सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गई हमारी यहाँ पर हमारी के कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो टाइपिंग के लिए, यानी कि आप लोगों की जो टाइपिंग है, टाइपिंग के अंदर अभी आपका पेपर हो गया, पेपर के बाद में आपकी टाइपिंग, फिजिकल, मेडिकल, ये सारे इवेंट होने हैं, तो टाइपिंग के लिए कितने नंबर वालों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है। क्योंकि आपका खाली एक पेपर ही इसके अंदर नहीं है, पेपर के अलावा भी आप लोगों का यहाँ पर टाइपिंग होने वाली है। टाइपिंग बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होती है, उसके अंदर भी जिन्होंने भी तैयारी अगर नहीं की है तो वो भी वहाँ पर छंटने हैं, वो भी बाहर होने हैं। उसके बाद में आपके फिजिकल के अंदर भी बाहर होने हैं, मेडिकल के अंदर भी अभ्यर्थी है वो बाहर होंगे। तो यहाँ पर 3 इवेंट हमारे पास में और है, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें, जो जनरल कैटेगरी का जो मिनिमम पासिंग नंबर होता है
जनरल कैटेगरी का जो मिनिमम पासिंग नंबर होता है 40% और ओबीसी का, ओबीसी और एससी एसटी का जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो 35% है, ये मतलब आपके 40 नंबर और ओबीसी एससी एसटी 35 नंबर, यहाँ तक कि आपके अगर 40 और 35 अगर इन कैटेगरी के अगर आप नंबर लेकर आ रहे हैं इन कैटेगरी के अंदर, तो आप टाइपिंग की तैयारी करें, निश्चिंत होकर आप टाइपिंग की तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर अगर 60 के ऊपर अगर मान लो टाइपिंग के अंदर बुला लिया तो आपकी फाइनल मेरिट के अंदर बच्चे बचेंगे ही नहीं, यानी कि अभ्यर्थी बचेंगे ही नहीं फाइनल मेरिट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी 3 इवेंट है, तीनों ही मेजर इवेंट है आप लोगों के लिए, इतना ये नहीं है कि मतलब कोई हलवा नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग है वो भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी आपकी स्पीड होगी तभी आप वहाँ पर, क्योंकि पेपर का जो प्रेशर होता है टेस्ट का वो एक अलग ही लेवल का होता है, वो हर स्टूडेंट अभ्यर्थी के साथ में होता है, तो यहाँ टाइपिंग में भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो बार होने हैं, और उसके बाद में फिजिकल और मेडिकल में भी बार होने हैं, तो ये अगर हम नॉर्मल मान के चले कि 60 से ऊपर वाला यहाँ पर जिसके 60 नंबर या 60 से ऊपर नंबर जिसके भी आ रहे हैं उसने मॉडरेट लेवल की या अच्छे लेवल की अपने तैयारी की है और उसी के ही 60 से ऊपर नंबर बन रहे हैं यहाँ पर, और जिसके 60 से ऊपर बन रहे और ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी टाइपिंग के लिए आप 40 नंबर जनरल और ओबीसी एससी एसटी 35 नंबर से अगर ऊपर है तो आप इसकी टाइपिंग की तैयारी करें, आप निश्चिंत तो होकर टाइपिंग की अभी से तैयारी में लग जाए, ताकि आप लोग टाइपिंग पास करके फिजिकल मेडिकल सारे इवेंट पास करके आप फाइनल मेरिट में पहुंचे। अब आपको मैं ये बता दूं, इन ये सारे इवेंट होने के बाद में जैसे हमने जनरल 60 नंबर यहाँ पर निकाले हैं, लेकिन आप लोगों को इस इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टाइपिंग में कितने निकले, फिजिकल में मेडिकल में कितने निकले, उसी के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड होगी। फाइनल मेरिट का मतलब कि जिसने भी सारे इवेंट पास कर लिए और फाइनल मेरिट में जिसका नंबर आ गया, मतलब उसकी गवर्नमेंट जॉब है सीआरपीएफ एससीएम के अंदर लग गई, ये यहाँ पर फाइनल मेरिट का मतलब होता है। तो उस तक इवेंट तक पहुँचते ये सारे इवेंट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि इनके अंदर कितने बच्चे बाहर होते हैं, तो उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट है वो डिसाइड होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। 60 से ऊपर नंबर है वो फाइनल मेरिट तक अपना आपको सेफ समझे, और उसके बाद में ये जो टाइपिंग के लिए 40 और 35%, यानी कि 40 नंबर और 35 नंबर वालों को आप तैयारी करें, आप आराम से आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और बाकी जिनका भी पेपर अभी बचा हुआ है, आज 26 तारीख हुआ है, 2 दिन और पेपर है, आज भी पेपर है और कल परसों 3 दिन पेपर है, तो इन पेपर के अंदर जो भी स्टूडेंट भाई बहन जो पेपर देने के लिए जाएंगे वो ध्यान रखें, पेपर की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी लेंथी आ रही है, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करें और पेपर को अटेंड करें, और अटेंड करने के बाद में आपके कितने नंबर आ रहे कितने नहीं, आप अपना टेलीग्राम चैनल पे और इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमने इतने क्वेश्चन किए, इतने हमारे सही हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, आप हमारी तैयारी के अंदर लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।